देश में कोरोना वायरस से लगभग 200 मौतें हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंची। धारावी में 5 नए मामले मिले। मुंबई और पुणे की 5 जेलें बंद की गई। लॉकडाउन के बीच डीएचएफएल समूह का वाधवन परिवार 23 लोगों के साथ खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा पर निकला। परमिशन देने वाले प्रमुख सचिव छुट्टी पर भेजे गए। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 720 हुई। निजामुद्दीन इलाके के 6000 घरों की डोर टू डोर स्कैनिंग में एक संक्रमित मरीज मिला। दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद के बाद गुरुग्राम में भी 9 हॉटस्पॉट्स की पहचान। पूरे इलाके को सील किया गया। शबे बारात के बाद गुड फ्राइडे के मौके पर दिल्ली से लेकर केरल तक सभी चर्च बंद। कोरोना के चलते दुनिया भर में धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नबारो की भारत को सलाह, लॉकडाउन खत्म करते वक्त बेहद सतर्क और सावधान रहने को कहा। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16000 के पार हुआ। फ्रांस में 12000, स्पेन में 15000 और इटली में 18000 से ज्यादा मौतें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 16 लाख के पार हुई। अब तक 95000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और सऊदी अरब के शाही परिवार के 150 सदस्य कोरोना की चपेट में आई, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा।